नमस्कार फ्रेंड, मैं संजय शाह आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड, मैं यहां पे आपके पास इस वीडियो में ये कहना पूछना चाहता हूं, क्या आपने रेकी सीखा है, क्या आपने एंजल हीलिंग कोर्स किया है, और क्या आपने कुंडली रेकी सीखे हैं, या फिर कुछ भी ऑल्टरनेटिव थेरापी आपने सीखा है, आपने मैग्नेटिज्म कोर्स किया है और आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो? ऐसे सवाल क्या आपके भीतर है? क्या आप मन में ये सोच रहे हो? अगर आप इसको सोच रहे हो तो क्या आप इसका कारण जानना चाहते हैं कि किस कारण से आपने जो कोर्स किया है उस कोर्स में आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, या उस प्रोसेस को आप ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं जितना कि आपको, जिस उम्मीद से आपने कोर्स को आप किया था? जी हाँ, आइए इस सवाल का मैं जवाब दूं। उससे पहले मैं आपको जल्द से जल्द मैं आपको बोलूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना जल्दी हो सके मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करें। पास लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो लॉन्च हो आप तक जरूर पहुंचे। आइए इस सवाल का मैं जवाब दूं कि ऑल्टरनेटिव थेरापी, हालांकि रेकी, मैग्नेटिज्म या हिप्नोटिज्म, एंजल हीलिंग कोर्स, कुंडलिनी रेकी, जितने भी ऑल्टरनेटिव थेरापी है, प्राणिक हीलिंग, ये सारे कोर्सेस को एक नाम कर दिया जाए, उसका नाम है ऑल्टरनेटिव थेरापी। तो ये सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप इस थेरापी को जब सीखते हो और इसको इंप्लीमेंट करते हो, आपको किसी भी डॉक्टरी प्रेस्क्रिप्शंस या मेडिकल या हॉस्पिटल लाइफ जो प्रेस्क्रिप्शन होता है उसके ऊपर आपको चैलेंज नहीं करना है। अगर उस पर आप चैलेंज करते हो तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि यह ऑल्टरनेटिव थेरापी है। लेकिन यहां पे छोटा सा बात बता देता हूं कि मैंने अपने जीवन में देखा, क्योंकि कई सारे ऑल्टरनेटिव थेरापी मैंने भी सीखा है और इसके द्वारा मुझे बहुत कामयाबी मिली। उसका कारण और उसका राज यही है कि मैंने इसको गहराई से समझा, और आपको भी इसको गहराई से समझना है, इंप्लीमेंट करना है और उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। वो तरीके मैं आपको बताना चाहूंगा। हालांकि इस वीडियो को मैं टच करते हुए जा रहा हूं कि ऑल्टरनेटिव थेरापी का मतलब यह है कि जो भी ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइज्ड या डॉक्टर के द्वारा जो ट्रीटमेंट चलता है उसमें देखा गया है कि लोग ठीक तो हो रहे हैं लेकिन फिर बीमार पड़ रहे हैं, या फिर एक हद तक ठीक होके वहीं पे स्टॉप हो जा रहे हैं, आगे पीछे बीमारी बढ़ भी नहीं रही है, कम भी नहीं हो रहा है। वहां पे ऑल्टरनेटिव थेरापी का काम है एनर्जी लेवल पे काम करना, और जो फिजिकल बॉडी का जो वर्क है या फिजिकल बॉडी की जो डिजीज है वो मेडिसिन से ठीक हो रही है। तो जब आप मेडिसिन के साथ में ऑल्टरनेटिव थेरापी को यूज करते हो, ये एनर्जी साइंस को आप यूज करते हो, तब जाके दोनों तरफ से कामयाबी मिलती है और इसका फल यह होता है कि बड़ी बड़ी बीमारियों पे कामयाबी पे मिली है। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको कैंसर के पेशेंट्स और इस किसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारियों में बहुत ज्यादा उनको लाभ मिला है, और उन्होंने खुद का तो ट्रीटमेंट किया है, दूसरे को भी हीलिंग करके ट्रीटमेंट करके ठीक कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि जो लोग कामयाब नहीं हो पा रहे उनका रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा रीजन है, आपको समझना है। ये जब हम एनर्जी लेवल पे जाते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव थेरापी एनर्जी लेवल पे काम करता है, तो एनर्जी लेवल का मतलब यही होता है आध्यात्मिक शक्ति। क्योंकि जब आप कोर्स करते हो तो आपको ऑरा, चक्रा, एनर्जी फील्ड, हर चीज के बारे में आपको बताया जाता है, आप उसको समझते हो। लेकिन ऐसा कुछ होता है कि आपके साथ कि आप उसको समझते हुए भी अपनाना नहीं चाहते, या फिर आप अपनाना भी चाहते हो लेकिन ऐसे जीवन में परिस्थिति आती है कि आप उसको अपना नहीं सकते। आज जो भी एनर्जी साइंस में जिनको कामयाबी मिल रहे हैं, आप उनसे कभी पूछिएगा कि आपको क्या आपके गुरु ने सभी चीजें सिखाया है जो आप कर रहे हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। आपने जो कोर्स किया उस कोर्स में आपके गुरु ने जो भी आपको बताया उसके बाद उसको आपने अपने जीवन में अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया और नए नए तरीके का भी आप ढूंढते रहे।
इसी कारण मैं एक छोटा सा कहानी बताऊंगा जो कि रेकी से रिलेटेड है। डॉक्टर मिकाओ से जो रेकी के फाउंडर है, उन्होंने रेकी का जब अपने तरीके से देते थे, आपको जानकर ताजुब होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि डॉक्टर मिकाओसी किसी को अटूनमेंट नहीं देते थे। लोग जो भी उनसे सीखना चाहते थे उनके पास जाते थे और उनके सामीप्य पाकर उनके साथ में रह के कई दिनों की टेक्निक्स को उनको बताया जाता था, सिखाया जाता था, और उनके साथ में रहते हुए उनके इंटेंशन के जरिए उनके पास में शक्तियां यानी रेकी की शक्ति पाते नहीं अटूनमेंट उनकी होती थी। बाद में अटूनमेंट के प्रोसेस को जोड़ा गया, ये मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया है। उसी प्रकार उसको डेवलप करते हुए डॉक्टर मिकाओसी के स्टूडेंट डॉक्टर हायाशी, डॉक्टर हायाशी ने उसको और डेवलप किया क्योंकि डॉक्टर मिकाओसी की ये कहना था कि इसको और डेवलप करें। और उसके बाद मिसेस ताकाता जो कि डॉक्टर हायाशी के स्टूडेंट थी, उन्होंने इसको और ज्यादा विस्तारित किया और ज्यादा इसमें नए चीजें जोड़े हैं। आपको ये भी बताया गया है या आपको पता होगा कि नहीं होगा कि रेकी फर्स्ट लेवल में 4 डिग्रियां होती थी। 4 लेवल कंप्लीट करने से रेकी फर्स्ट लेवल के हीलर बनते थे। आज के डेट में एक ही डिग्री में ही एक हीलर फर्स्ट डिग्री का हीलर बन जाता है। तो इसका कारण यह है कि उसको फिर से विस्तारित किया गया और ये चीज मिसेस ताकाता ने लाया था। उसी प्रकार आपको भी ये अधिकार है क्योंकि ये एनर्जी साइंस है और एनर्जी, हम सब एनर्जी के भीतर है। हमारे चारों ओर हर जो चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो हर चीज एनर्जी है। इसको आपको मानना होगा। जो भी हम खाना खाते हैं वो भी हमारे शरीर में एनर्जी को ही क्रिएट करता है। तो जब हम इसको अगर समझते हैं कि हर चीज में एनर्जी है और हम एनर्जी के भीतर हैं, तब आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन हमारा क्या है, हम दैनंदिन जीवन में इतने परेशान रहते हैं कि जो भी कोर्स में हमको बताया गया है उसको हम 1-2 बार 3 बार 5 बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कोई फायदा नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं। लेकिन आपने ये चीज जरूर समझना है आपको कि कोई भी सफलता का राज है रिपीटेशन। आपको अगेन अगेन एंड अगेन रिपीट रिपीट एंड रिपीट करना है। ये चीज आपको मानना होगा। कभी कभी भाग्यवश 1 या 2 हीलिंग में या 2 कोशिश में ही काम हो जाता है किसी किसी का। किसी किसी को हफ्तों महीनों या फिर कुछ महीने या साल भर भी लग सकते हैं, तभी जाके ये कामयाबी मिलती है। अब मैं बता दूं कि मैंने जब यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म एंड मैस्मरिज्म कोर्स मैंने जब सीखा, इसका डिटेल्स मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा, और मैंने जब रेकी भी सीखा तो शुरुआत में मैं भी ऐसे ही परेशान तक करता था, होता नहीं है। लेकिन एक लगन जो मेरे अंदर में थी कि मुझे करना है और करूंगा, इसमें लाभ मिलेगा, ये जो मन में विश्वास है, ये विश्वास आपके अंदर भी आनी चाहिए। मैं जो कर रहा हूं ये होगा, ये होना चाहिए। जब भी मैं कोशिश करता था, कामयाबी नहीं मिलती थी, तो मेरे जो भी टीचर्स हैं उनसे पूछने से वो एक ही सवाल का जवाब एक ही तरह के लगभग घुमा फिरा के देते थे, आप करिए जरूर होगा। और आज मैं भी यही कहता हूं कि मेरे स्टूडेंट को आप करिए जरूर होगा। लेकिन वो मैंने अपने गुरुओं को बात माना, जितने भी गुरु, और उनको मैंने इंप्लीमेंट में लाया, और करते करते जब शुरू हो गया तब तो गाड़ी आगे बढ़ती रही और ऐसे आगे बढ़ी कि आज उसका फलस्वरूप मैंने इतने सारे कोर्सेस किया और इतने सारे जो भी हम मुझे थोड़ी सी भी कामयाबी मिली है उसका कारण यही है कि वही सभी गुरुओं का वो एक कथन जिन्होंने कहा थी कि आप कोशिश करो जरूर होगा। क्योंकि जैसे देखो एक बात, एक एग्जाम्पल यहां लेते हैं कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, एक क्लास में 40 स्टूडेंट है और एक टीचर उन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, क्या टीचर गारंटी दे सकता है कि सभी स्टूडेंट IAS ऑफिसर बनेगा या IPS ऑफिसर बनेगा या सभी 40 स्टूडेंट डॉक्टर बनेंगे, 40 स्टूडेंट इंजीनियर बनेंगे? नहीं ना। तो यही पे इसको आप समझने की कोशिश करिए कि क्या कारण है कि एक 40 बच्चे का टीचर तो सेम है लेकिन वही 40 बच्चे से एक बच्चा IAS ऑफिसर बन रहा है, एक बच्चा IPS बन रहा है, 2 डॉक्टर बन रहा है, 2 इंजीनियर बन रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है।
इसमें दो कारण है। सबसे बड़ा कारण है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सभी के फाइनेंशियल चीजें एक तरह के नहीं होते, लेकिन आपने अगर इस बात को अगर इसको फर्स्ट प्रॉब्लम में लाओगे तो ये बहुत ही नासमझी वाली बात होगी, क्योंकि आए दिन आप न्यूज चैनल्स में या अखबारों में आप लोग देखते हो कि किसी ऑटो ड्राइवर का बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया है। कैसे बन गया है? अगर स्टूडेंट में लगन है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। स्वामी विवेकानंद का यही कहना है कि यू आर द क्रिएटर। आप क्रिएटर हो अपना, किसका हो? आप अपना खुद का क्रिएटर हो, यानी आप अपने लिए आप क्रिएटर हो, यानी अपने लिए आप कोई भी चीज को क्रिएट कर सकते हो। और ये सही नहीं, मैं आप सभी से रिकमेंड करता हूं कि आप लोग ऐसे चीजों को देखें। जैसा एक बुक है द सीक्रेट, इस बुक को भी पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगा, जो रहस्य है, जो गुप्त रहस्य है, आपको पता होना चाहिए। आप अपने जीवन में सुखी हो तो इसके जिम्मेदार आप हो, और आप अगर अपने जीवन में दुखी हो तो इसके जिम्मेदार भी आप ही हो। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जैसे एक क्लास में 40 बच्चे अगर आईएएस ऑफिसर नहीं बन पा रहा है या डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, उसकी जिम्मेदारी टीचर की नहीं होती है। टीचर ने जो भी देना था दिया। स्टूडेंट एक टीचर से सीख के टीचर से बड़ा पोस्ट में चला जा रहा है। उसी प्रकार ये एनर्जी साइंस है। यहां पे भी जैसे मैं सिखाता हूं और भी सारे मास्टर सिखाते हैं, वो भी एक माध्यम ही है, ये आपको समझना है। उसने जो भी टीचर से आपने सीखा, जो आपके गुरु हैं, उन्होंने अपने पास जो भी है आपको दिया, आपको उसको आगे बढ़ाना है। टीचर्स ने जो भी तरीका बताया उस तरीके से ऊपर उठ के आपको नए नए तरीके क्रिएट करना है। यही उस सफलता का राज। अगर इसको आप समझते हो तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और एक लगन आपके अंदर होना चाहिए। मैं रेकी के इतिहास में एक चीज बोलूंगा कि रेकी के इतिहास में डॉक्टर हायाशी के जो स्टूडेंट थे मिसेस तकाता, स्वर्ण अक्षरों में मिसेस तकाता का नाम आज के डेट में रेकी के इतिहास में लिखा हुआ है। जबकि मिसेस तकाता को इतनी बड़ी बड़ी बीमारी थी, पथरी थी, पेट की बीमारी थी, श्वास की प्रॉब्लम थी, उनको ऑपरेशन के लिए भी बोला गया था। लेकिन आपको जानकर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अजूब होगा कि कुछ हीलर्स ने उनको सुबह शाम घंटों उपचार दिया, तभी 4 महीने तक उनका उपचार चलने के बाद वो स्वस्थ हुई। और उसके बाद उनको लगा कि नहीं, ये ऐसा चीज है, इसको जब मुझे इतना लाभ मिला तो इस विद्या से लोगों को कितना लाभ मिल सकता है। फिर उन्होंने इसको सीखा और लोगों को सिखाना लगा। आजकल हम क्या करते हैं? गुरुजी ने बताया ये सिंबल लगाओ, ऐसे करके हीलिंग करो, कर देते हैं 2 मिनट 3 मिनट बस खत्म। आपको घंटों उपचार करना है, सक्सेस होना है और बार बार रिपीट करना है। कोई देखो, एक ही किसी को 10 इंसान दर्द लेके आपके पास में आता है तो किसी को आप 1 या 2 बार हीलिंग कर दो दर्द आराम मिलता है, 2 जन को बिल्कुल आराम नहीं मिलता, 5 जन है थोड़ा आराम मिला, तो फिर आपको हीलिंग करना है ना उनका। क्या कारण है आपको ये समझना है कि 2 जन को आराम मिल गया, 4 जन को आराम नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीमारी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज लेके आती है। और एक हीलर होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास में जो भी क्लाइंट्स आ रहे हैं हीलिंग करवाने के लिए, उनके अंदर क्या ब्लॉकेजेस है। अगर आपको पता भी नहीं चल रही है ब्लॉकेज, नो कोई बात नहीं, ब्लॉकेज पता चलती है अगर आप अपने बताए गए मेडिटेशंस को करते हो तो आपको जरूर वो सारी चीजें पता चलेगा। एक दिन में ये क्षमता नहीं आती। अगर ऐसा होता तो सब दुनिया में इंसान मिराकल ही कर देते। ऐसा नहीं है, आपको उस लायक खुद को बनाना होगा। टीचर से जो आप सीख रहे हो, पैसे दे रहे हो और सीख रहे हो, वो एक माध्यम है कि आपने उस प्रोसेस को कैसे करना है उसको समझने का एक साधन है। शक्तियां मिल रही हैं, सिद्धियां मिल रही हैं और इंप्लीमेंट करने का तरीका बताया जा रहा है, दैट्स ऑल। इसके बाद उसको करके आपको भी पहले अपने ऊपर अपना उस काबिल बनना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको डेली जो भी उस तरीके में बताएगा मेडिटेशंस होते हैं वो करना है, सेल्फ हीलिंग करना है, उस शक्ति से बार बार जुड़ना है। जैसे ही आप करने लगोगे ना, धीरे धीरे वो आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट होता रहेगा, वो एनर्जी, वो शक्ति। चाहे आप रेकी हो, रेकी सीखे हो या एंजल हीलिंग कोर्स किया हो, अगर आपने एंजल हीलिंग कोर्स किया तो रेगुलर एंजल्स के मेडिटेशन करें, समय दे एंजल्स के साथ जैसे आपको बताया गया है। अगर आपने रेकी सीखा है, रेगुलर रेकी का
आप मेडिटेशन करें, रेगुलर रेकी खुद का हीलिंग करें, दूसरों को उपचार करें, जितना ज्यादा समय आप दोगे उतना ज्यादा वो आपके साथ वो एनर्जी और अच्छे तरीके से जुड़ेंगे। अगर आपने कुंडली रेकी किया है तो कुंडली रेकी के सारे जो भी हीलिंग प्रोसेस बताए गए हैं वो सारे हीलिंग प्रोसेस को रोज रेगुलर अपने लाइफ में करें। अगर आपने मैग्नीफाइड हीलिंग किया है तो मैग्नीफाइड हीलिंग के सारे टेक्निक्स रोज अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें, फिर दूसरे के ऊपर करें। अगर आपने यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म एंड मैस्मरिज्म कोर्स किया है तो जो भी एनर्जीज आपने आपने सीखा है वो एनर्जीज को डेली प्रैक्टिस करें, और उसमें जो बताए गए तरीके, जो एक्सरसाइज बताए जाते हैं, जो मेडिटेशन बताए जाते हैं, उसको रेगुलर आपको करना है, और रेगुलर सारे एनर्जीज को कॉल करके आप उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तभी जाके कामयाबी मिलेगी। अगर आपने हिप्नोटिज्म सीखा है तो रेगुलर अपना सेल्फ हिप्नोटिज्म करें, अपना खुद का माइंड की प्रोग्रामिंग करें, और जो भी आपके घर में कोई सदस्य है उनका भी आप कोशिश करें करने का। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, दस बार करोगे मेंटली आप प्रिपेयर होगा वो आगे करने के लिए। इसी प्रकार से हर जो तरीका है आपने सीखा है, अगर आपने प्राणिक हीलिंग सीखा है तो प्राणिक हीलिंग के तरीके को भी आप अपनाइए, हर रोज उसका हीलिंग करिए, हर रोज उनके मेडिटेशंस करिए, ऐसे करके आपको कामयाबी मिलेगी। गुरु ने सिखाया, आपने पैसा दिया और गुरु ने आपको ज्ञान दिया और तुरंत आप करने लगोगे, नहीं हो रहा है, गुरु जिम्मेदार है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि उसका कारण भी है कि आज के डेट में इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में करीबन 25,000 से 30,000 रेकी ग्रैंड मास्टर है, और उनमें सफल कितने लोग हो पा रहे हैं वो भी आपको समझना है, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। एक दिन में कोई बच्चा साइकिल चलाना नहीं सीखता, एक दिन में आपने कार ड्राइविंग नहीं सीखी। अगर एक दिन में आपने सीखा भी है वो आपका टैलेंट है, लेकिन एक क्षण के लिए भी आपने नहीं सीखा, आपको उसके लिए कुछ मिनट, कुछ सेकंड, कुछ घंटे लगे एक ही दिन में सीखने में, और आपने उसको समझा तब जाकर उसको चला रहे हो। बस यही बात को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। तो उम्मीद कर दो मेरी इस बात से आप समझ जाएंगे, आपको मैं थोड़ा सा मोटिवेट करने में कामयाब हुआ होगा। मेरे वीडियो कितने देर देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को जो मैंने गाइडेंस की, ये गाइड के द्वारा आप अपने जीवन में ये सारे तरीके हैं जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज आपने सीखा है उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद मेरी वीडियो कितने देर देखने के लिए, आप सभी को मेरी ओर से रेकी ब्लेसिंग।